राधे राधे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जेवर के लेकर, ठीक है, जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। आपको पता है कि इस टाइम जेवर एयरपोर्ट बहुत हॉट पॉइंट बना हुआ है फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए रेट वहीं का अप्रिसिएट होता है जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ हो। जैसे एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म थिएटर आ रहा है, और टॉय सिटी आ रहा है, कमर्शियल्स आ रहा है, वहाँ पे आपका एयरपोर्ट का जो सर्विस सेंटर होता है, लॉजिस्टिक हब है, बहुत सारा चीज आ रहा है और बहुत सारे एरियाज में आ रहे हैं बहुत सारा। तो वहाँ पे ये है कि अगर आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी लिया 5 साल 10 साल 20 साल में, आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये समझ लो कि दिल्ली में जितना ग्रोथ नहीं है उससे ज्यादा ग्रोथ आपको जेवर एयरपोर्ट के पास मिलना है। लेकिन 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 यहीं पे आपको सावधानी के साथ काम करना है। हाँ जी, अब जैसे मैंने बोल दिया कि जेवर में प्लॉट ले रहे, तो ये नहीं कि आंख बंद करके किसी से भी प्रॉपर्टी ले लो। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मैंने बताया कि अच्छा चीज है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन सब जगह नहीं करना चाहिए। वहां पे कुछ चीजें ऐसी है जो आपको ना तो बिल्डर बताता है, ना सेलर बताएगा, ना सेल्समैन बताएगा, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी गर्म तावे पे रोटी सेकने से मतलब है जी, और बाकी कुछ नहीं मतलब है। वो जमीन बेचेंगे, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी है जो आपको चेक करनी चाहिए और चेक होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी मेहनत की कमाई है, उस चीज में आपका पैसा वेस्ट ना हो, तो थोड़ा सा आपको टाइम निकाल के जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। क्योंकि मैंने कई लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग चेक करते हो, क्या वो मुझे क्या बोलेंगे यार आप चेक करो। अरे मैं क्यों चेक करूँ भाई, पैसा आपका है। आप समझो, आप अपनी जिंदगी भर की कमाई एक बार में लगाने को तैयार हो, लेकिन आपके पास एक दो दिन का टाइम नहीं है कि जाके आप उस चीज को चेक कर सको। तो इसी चक्कर में जो पैसा बर्बाद होता है ना लोगों को, यही है उनकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उनका पैसा बर्बाद होता है। कैसे करें किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ताकि आपका पैसा सही जगह सेफ रहे और आपका ग्रोथ अच्छा हो और विदाउट कोई टेंशन। सबसे पहले कि जिस भी बिल्डर से आप अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो उसके बारे में आपको छानबीन करनी है। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी मुंह उठा के आता है, 2-4 यूट्यूबर को, 2-4 इधर उधर से लोगों को पकड़ते हैं, 50 लोगों को हायर करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं और आपको इनवाइट करते हैं, और आप उस भीड़ को देख के, चकाचौंध को देख के आप भी अपनी प्रॉपर्टी लेके बैठ जाते हो, और जब कल को बिल्डर गायब होता है, कल को कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो फिर आप पूरे उस एरिया को गाली देते हो कि अरे यार उस एरिया में हमने प्लॉट लिया वहां सारे फ्रॉड है। नहीं, फ्रॉड वो नहीं है, फ्रॉड तो आप लोग जानबूझ के जाते हो करवाने के लिए। आप समझो ना कि आपकी एक लापरवाही की वजह से आपने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, आपने बिल्डर का बैकग्राउंड नहीं निकाला, तो भैया आपका ज्यादा डूब नहीं है। बिल्डर का बैकग्राउंड आप जरूर निकालो कि बिल्डर मार्केट में कितने साल से बैठा हुआ है, बिल्डर का प्रीवियस प्रोजेक्ट, जो पिछले प्रोजेक्ट है उसने कितना डेवलपमेंट किया है, जो कमिटमेंट किया है उसमें उसने पूरा किया कि नहीं किया। क्योंकि नॉर्मली आजकल क्या चलता है ना कि एक प्रोजेक्ट बिका, दूसरा प्रोजेक्ट फिर स्टार्ट कर देते हैं, फिर तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आपको साल भर 1.5 साल का टाइम दे देंगे, 2 साल का टाइम दे देंगे जी, कि जी आप 2 साल में पेमेंट करते रहो, और वो 2 साल तक डेवलपमेंट ही नहीं करेगा, एक मिट्टी का रोड डाल देगा बस हो गया जी। अब आप जाओगे पूछने के भैया डेवलप कब करोगे, तो कहेगा जी आपको 2 साल किस्त दिया हुआ है ना, 2 साल में कर देंगे। लेकिन 2 साल क्या, 4 साल भी हो जा रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आजकल का डेवलपर क्या है कि एक बार माल बिक गया वहां से निकल जाना, एग्जिट कर जाते हैं उस प्रोजेक्ट से, फिर सेकेंड प्रोजेक्ट अपना नया लॉन्च करते हैं, तो उनका काम वही है। तो यहाँ पे आपको अपनी होशियारी दिखानी होती है। हाँ जी, कि बिल्डर का प्रीवियस आप बैकग्राउंड चेक करो ना। यहाँ तो मैं बता दूं कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर नोएडा के अंदर 60-70% ऐसी कंपनियां रियल एस्टेट की जो कभी जेवर एयरपोर्ट और टप्पल में माल बेच रही थी, आज उनकी कंपनी गायब है, आज उनकी कंपनी बंद हो चुकी है। अब समझो जिन्होंने उनसे प्लॉट लिया हो कहां जाएंगे, कहां ढूंढेंगे भाई, किससे बोलेंगे डीजे डेवलपमेंट कराओ, तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ट्रस्ट ब्रांड के साथ जाइए। रेट जरूरी, देखो आजकल क्या है कि जैसे कोई भी एक नया बंदा आया, कोई भी एक नया बंदा आता है मार्केट में, एक खेत लेता है, खेत में क्या करेगा कि जी रोड पे मिट्टी डलवा देगा और एक भीड़ इकट्ठा करके बेच बाज के गायब हो जाएगा, ढूंढते रहो कहां ढूंढोगे। तो यही सब चीजें होती है कि बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना कि प्रीवियस प्रोजेक्ट कितना उसने डेवलप किया है, कितने लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। सेकंड चीज, फर्स्ट ये हो गया बिल्डर का बैकग्राउंड। सेकंड चीज आपको ये होनी चाहिए कि खासकर जेवर एयरपोर्ट के पास में, देखो सब जगह जरूरी नहीं है, जो अभी डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा ना, तो ये सब जगह जरूरत नहीं है कि आपको सब जगह वो चीज जरूरत पड़ेगी। देखिए क्योंकि आपको पता है कि जेवर एयरपोर्ट के पास में एक्वायरमेंट होनी है, और ये एक्वायरमेंट आज 1-2 साल की एक्वायरमेंट नहीं है, 2045 तक एक्वायरमेंट होगी। तो आपको क्या करना है कि यमुना अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एक्वायरमेंट का लिस्ट आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी गांव की जमीनें एक्वायरमेंट में जा रही है। जैसे आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा एक्वायरमेंट आपका टप्पल का होने वाला है। हाँ जी, सबसे ज्यादा जमीनें टप्पल की एक्वायरमेंट होने वाली है, और सबसे ज्यादा
प्लॉटिंग, प्लॉट भी लोग टप्पल में ही बेच रहे हैं। तो आपको यमुना थॉटी ऑफिस जाइए, या टप्पल में भी यमुना थॉटी का एक ऑफिस है, या फिर वेबसाइट पर जाके आप उस लिस्ट को चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी गांव की जमीन एक्वायरमेंट होनी है और कौन कौन सी गांव की जमीन एक्वायरमेंट नहीं होनी है। तो जिस गांव की जमीन एक्वायरमेंट नहीं होनी है आप उस गांव का ही जमीन लेना, यानी कि उस बिल्डर से बोलना कि भैया अपनी रजिस्ट्री भेज, उस रजिस्ट्री पे चेक करना कि हाँ क्या उस कौन सी गांव की वो जमीन है, क्योंकि रजिस्ट्री पे होता है उसमें कि मौजा कौन सा है और किस गांव की जमीन है उसमें लिखा होता है। तो आप चेक कर सकते हो अगर उस गांव की उसमें लिस्ट में नाम है कि हाँ एक्वायरमेंट होगी, तो बिल्डर चाहे कितना भी आपको ट्रस्ट दिला दे कि नहीं जी हमारी जमीन एक्वायरमेंट नहीं होगी, हमारी ये नहीं है, हमारा बिल्कुल सेफ है, तो बिल्कुल मत लेना प्लॉट, क्योंकि वो एक्वायरमेंट में जाएगा क्योंकि वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अब जैसे मेरे पास भी लिस्ट पूरा पड़ा हुआ है कि कौन कौन सी गांव की जमीन जाएगी, कौन कौन सी गांव की जमीन नहीं जाएगी। ये हो गया, ठीक है, एक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हो लिस्ट, क्योंकि उसमें जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपको बता दूं ग्रेटर नोएडा अपना ये जेवर टप्पल हो गया, आगरा का भी कुछ हिस्सा है, और आपका मथुरा वृंदावन ये भी कुछ हिस्से हैं जो यमुना अथॉरिटी से लगा हुआ है, जो यमुना एक्सप्रेस से लगा हुआ है ना, तो उनका भी उसमें लिस्ट में नाम है, क्योंकि ये पूरा आगे तक हाथरस तक भी पूरा ये एक्वायरमेंट होनी है। तो ये सारा लिस्ट वहां पे डाला हुआ, आप जाके उस चीज को चेक कर सकते हो वहां पे इजिली। थर्ड ऑप्शन क्या आप चेक कर सकते हो, अप्रूवल। अप्रूवल में दो अप्रूवल है, यमुना अथॉरिटी से क्या एनओसी है उनके पास, और सेकंड क्या उनका नक्शा पास है। मैं बता दूं कि जेवर टप्पल में एक या दो ऐसी प्रोजेक्ट है जिनका नक्शा पास या जिनका एनओसी है यमुना अथॉरिटी से। ये कोई अगर बोलता है ना कि नहीं जी मेरा नक्शा पास है, मेरे पास यमुना अथॉरिटी का अप्रूवल है, तो ये बोलने की चीज नहीं होती, उनसे आप डॉक्यूमेंट ले लेना कुछ। हाँ, कोई लोग होते हैं जो कहते हैं जी हम फोन पे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, आप हमारे ऑफिस आइए हम ऑफिस में दिखाएंगे। बकायदा आप उनके ऑफिस जाके चेक कीजिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ प्रोजेक्ट जेवर टप्पल में पता करा था कि कई लोग बोला कि हमारा जी ये अप्रूवल है वो अप्रूवल है, और उनसे जब मैंने डॉक्यूमेंट मांगा तो उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो किसी के बोलने पे मत जाइए, मैं साफ कहता हूँ कि बक्तम नहीं चलता लिखतम चलता है। अगर अप्रूवल है तो आपके पास कागज है तो आप हमें कागज दिखाइए, नहीं होता कि आपका पैसा डूब रहा है फंस रहा है, नहीं। मेरे से भी अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो जेवर में तो मेरे से भी अप्रूवल चेक करो, अगर मेरा डॉक्यूमेंट सही है देन आप मेरे से प्रॉपर्टी परचेज कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉपर्टी परचेज नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे सब कुछ आता है जैसे कि एनओसी, तो भैया एनओसी भी चेक करो, अप्रूवल भी चेक करो, यमुना अथॉरिटी से नक्शा पास। और एक नया खेला क्या होता है कि हर एक, मैंने आजकल क्या देखा है कि सब लोग क्या बोलते हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी की बैंक लोन है, हम एसबीआई से बैंक लोन कराते हैं, हम सरकारी बैंक से लोन कराते हैं। वो सिर्फ बोलने की चीजें होती है, बोलने की, जब आप उनको फाइल दोगे ना तो वो लोन ही नहीं होगा। तो अगर बोलता है कि हमारे प्रोजेक्ट में लोन है तो आप उनसे ये बोलो कि आप एक काम कीजिए, आप हमें ना कुछ लोन का आप डिटेल शेयर कीजिए कि आपने प्रीवियस कितने क्लाइंटों का लोन करा चुके हो। उनके पास होगा ही नहीं, जो कराया होगा उसके पास जरूर होगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ क्योंकि मैंने ये भी पता किया बीच में अभी कि कुछ अगर कुछ लोगों ने बोला कि लोन हमारे पास है, मैंने कहा कि कागज देगा, उनके पास कागज है ही नहीं, उन्होंने कोई लोन ही नहीं कराया किसी का आज तक, क्योंकि होता ही नहीं है। बोलने में क्या जा रहा है, बोलने का पैसा तो लग नहीं रहा जी, बोल देंगे कि हाँ जी हम लोन करा के देंगे, लेकिन लोन होता ही नहीं है, वो बाद में कुछ ना कुछ रंगा अड़ा देंगे। सेकेंड, और आपका जो बाकी और क्या है कि आप उस डेवलपमेंट उसका चेक कीजिए कि जो वो प्रोजेक्ट बेच रहा है वो कितने दिन में डेवलपमेंट करेगा। तो ये सब चीजें जो है आपको चेक करना चाहिए। किस्तों में कोई दे रहा है, बिल्डर अच्छा है, अब लो। भीड़ के चक्कर में, मैं हमेशा बोलता हूं कि भीड़ के चक्कर में मत जाना कि अरे यार उसके पास तो 50 गाड़ियां आई हैं, उसके पास 100 गाड़ियां आई हैं, इतने भीड़ लगा है। अरे भैया 70% उनके ही एसोसिएट होते हैं, उनके ही ब्रोकर और डीलर होते हैं 70%। आपको ये भी नहीं पता होगा वो जानबूझ के भीड़ लगाया जाता है ताकि उस क्राउड में आप भी जाओ फंस जाओ और आपका पैसा बर्बाद हो जाए। अब इतना ज्ञान देने का मतलब ये है कि मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ। अब आप कहोगे यार ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जेवर में जो कि हमें आप बताइए, तो भाई मैं आपको बता दूं मेरे पास जिस बिल्डर के साथ हम लोग अभी वर्किंग कर रहे हैं वो पिछले 15 साल से मार्केट में अवेलेबल है। उन्होंने अभी तक कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किया हुआ है, और डिलीवर नहीं किया हुआ है साथ साथ उस प्रोजेक्ट के अंदर मकान बना हुआ है, फैमिली रहती है। तो जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है आप वहां पे जाइएगा, ठीक है, वहां के जो लोग रहने वाले हैं उनसे बात कीजिएगा, उनसे अगर आपकी संतुष्टि हो तभी आप हमारे से प्रॉपर्टी लीजिएगा, ठीक है। और लोकेशन ऐसा है कि बहुत ही बेस्ट लोकेशन प्रॉपर्टी है, कोई सर्विस लैंड पे नहीं है, कोई चक्रोड पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी आपको पहले यमुना एक्सप्रेसवे पे गाड़ी खड़ा करके फिर आपको नीचे उतर के आना पड़ेगा, फिर बाद में बोलेंगे जी वहां से सर्विस लैंड बन के आएगा वहां से। अरे भैया वो सर्विस लैंड कब बनेगा, 1 साल में 10 साल में 20 साल में कब बनेगा, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो आपको क्या करते हैं, हाईवे दिखाते हैं, देखो जी ये मेरा हाईवे है और ये प्रोजेक्ट है। अरे भैया वो हाईवे से नीचे गाड़ी थोड़ी उतरेगी,
आएगी तो किसी गांव के थ्रू, आएगी तो सर्विस लाइन के थ्रू, जो कि वो काफी लंबा डिस्टेंस है। तो अगर आपको कोई हाईवे के पास में जेवर एयरपोर्ट या यमुना एक्सप्रेसवे दिखा के अगर कोई प्रॉपर्टी दे रहा है तो उनसे ये बोलो कि मुझे हाईवे की तरफ से नहीं जाना है, मुझे आप एक्चुअल रोड से लेकर चलो जो कि फ्यूचर में मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमारा प्रॉपर्टी जो जेवर एयरपोर्ट के पास में, पहली बात तो जेवर एयरपोर्ट के 8 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन है, वहां तो कोई घर ही नहीं बना सकता। नो फ्लाई जोन है वहां कोई घर नहीं बना सकता, तो आप कैसे जा सकते हो? तो इतना कॉमन सेंस आपको होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं अब जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस करे यार, बहुत दूर है। अरे भैया का रनवे पे तो नहीं लोगे ना प्रॉपर्टी, एक गाइडलाइन होता है गवर्नमेंट का और थोड़ा डिस्टेंस पर रहोगे तो बेटर रहेगा। नहीं तो जो दिल्ली में आपका यहाँ रहते हैं, जो बसंत कुंज में रहते हैं, जाकर उनका हाल देखो, डेली सर के ऊपर से ही जाती है प्लेन, रात भर सो नहीं पाते, दिन में भी बैठ नहीं पाते, इतनी शोर होती है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये होता है। अब मैं बात करूंगा अपने प्रोजेक्ट का। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है, प्रीवियस प्रोजेक्ट सारा डेवलप है, सारा डिलीवर है। हमने एक 18,000 रुपये गज में बेचा था, आज वो 55,000 रुपये गज में है, ठीक है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। करोड़ों की कोठी बनी हुई है, जस्ट उसके बगल में हमने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया फेस 1, यार वो भी डेवलप हो चुका है और उसके अंदर भी मकान बन चुकी है, फैमिली रह रही है। अब उसी के साथ में, उसी के लगे हुए हमने सेकंड फेज भी लॉन्च कर दिया है और वहां पे आप बकायदा आप जाके देखोगे कि साथ ही साथ डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है। हाँ जी, साथ ही साथ जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है और डेवलपमेंट के काम चल रहा है आप खुद देखोगे, क्योंकि उसमें सारा कुछ वो चीज आपको बन रहा है। यानी कि हमने पानी के जो पाइपलाइन बोलते हैं वो डला हुआ है, डल रहे सीवर डल रहा है, और मतलब सारा काम आपको करते हुए दिखेगा वहां पे, वर्किंग होते हुए दिखेगा। कि ये नहीं बोलूंगा कोई भी चीज की आगे करके दूंगा, नहीं, सब कुछ। कई जो हमने उसमें कई जो गड्ढा है उसकी मिट्टी से फिलिंग कर रहे हैं, करोड़ों की है। 10 फुट की बाउंड्री वॉल विथ पिलर हमने किया हुआ है, ठीक है। रोड 40 फुट 35 फुट का रोड है डेवलपमेंट की। तो सारा चीज आप A to Z जाके अपने साइड पे देख सकते हो। जो हमने पार्क के लिए बोला है वो पार्क तैयार हो रहा है, जो हम लोग वहां पे सड़कें बोल रहे हैं सड़क बन रही है, सीवरेज वाटर कनेक्शन सब कुछ A to Z आपको काम होते हुए दिखेगा। उसमें ये कोई भी नई चीज बोला जाएगा कि जी हम आगे फ्यूचर में करके देंगे, नहीं, सब कुछ वहां पे जो है आपको कंप्लीट मिलने वाला है। तो हमारे प्रोजेक्ट में आपको यमुना अथॉरिटी से NOC आप कागज चेक कीजिएगा, हमारे प्रोजेक्ट का नक्शा पास है आप कागज चेक कीजिएगा, हमारे प्रोजेक्ट की अपना ग्राम पंचायत से अप्रूवल है वो भी आप कागज चेक कीजिएगा। मतलब जो भी एक फ्री होल्ड की जो भी नॉर्म्स होता है, जो भी कंडीशन होता है, जो भी अप्रूवल होता है वो सारा है। रेरा नहीं होता, देखिए आपको अच्छे से पता है कि रेरा का जो चीज है वो रेरा एक अलग कंडीशन में चल जाता है। अगर रेरा वाला प्लॉट चाहिए आपको जेवर एयरपोर्ट के पास में तो या आप उसमें ले सकते हो गौर यमुना सिटी, जो 1 लाख प्लस का रेट चल रहा है वो है रेरा, क्योंकि वो रेरा का एक अलग अपना कॉन्सेप्ट होता है, फ्री होल्ड का अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्री होल्ड हमारे पास है जिसमें सारे अप्रूवल है और सारे अप्रूवल लेके आप किसी भी एडवोकेट से अथॉरिटी से आप कहीं भी जाके चेक करा सकते हो। लोकेशन भी बिल्कुल अपना जो है 4 लेन हाईवे पे है। हाँ जी, जब आप पलवल से अलीगढ़ जाते हो ना, बिल्कुल ऑन रोड पे हमारी गेट है और सोसाइटी के बाहर हमने कमर्शियल पूरा दुकान बना रखा है। मेन रोड पे दुकान है। आजकल नया एक चौचला क्या देखा हो ना कि सोसाइटी के अंदर लोग दुकानें बना के बेच देते हैं। अरे एक चीज बताओ, जब वहाँ आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है तो दुकान कौन चलाएगा? कहते मेरे पास जो भी दुकानें होती है वो बिल्कुल मेन रोड पे दुकान है, हाईवे पे, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जाके जगह आप कमर्शियल लीजिए, सोसाइटी के अंदर कभी भी कमर्शियल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो बंदा क्या करता है कि सेम वही जमीन आपको महंगा बेच देगा और आप सोचते हो अरे दुकान ले लिया, कोई फायदा नहीं ऐसी दुकानों का। तो ये कुछ चीजें थी। अब बात करूंगा जो हमारे प्राइस है। अब ये सब चीजें भी ना आपको सस्ते में नहीं मिलेगा। NOC वाली प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो, अप्रूवल वाली, नक्शा पास वाली, इतना डेवलपमेंट वाली अगर प्रोजेक्ट देखोगे तो वो आपको 5,000-10,000 रुपये गज में नहीं मिलेगा। हाँ जी, उसका अभी जो हमारा रिसेंटली जो प्राइस है वो प्राइस है आपका 35,500 प्लस डेवलपमेंट चार्ज एक्स्ट्रा है। टाइम मिलेगा 3 महीने का, 30% देके आप बुकिंग करा सकते हो, 70% गवर्नमेंट बैंक SBI और PNB से लोन है, ठीक है जी। और हम जब अपने साइट विजिट कराते हैं तो पहले अपनी प्रीवियस प्रोजेक्ट दिखाते हैं उनको कि सर ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है, देन अपना जिस प्रोजेक्ट में आपको प्रॉपर्टी देते हैं वो दिखाते हैं, ताकि आपको अनुमान लग जाए कि जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो वो किस टाइप का डेवलपर है और कितना आपको डेवलप करके देने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये सब चीजें हैं और आप जो है डॉक्यूमेंट अपना चेक कराइए कहीं भी जाइए। मैं बार बार यही फोर्स कर रहा हूँ कि कहीं भी जाके डॉक्यूमेंट चेक करा के ही आप प्रॉपर्टी लीजिएगा, क्योंकि पैसा है। अब लोग का जैसे कि मेरे पास से कॉल आए, हमने रेट बताया कि जी 35,500 का रेट है। अरे यार ये तो बहुत महंगा है, जेवर में इतना रेट कहाँ है? अरे भैया जेवर में तो 1 लाख से ऊपर का भी रेट है, तो ऐसा नहीं है। तो जेवर में हर एक टाइप की प्रॉपर्टी है। मेरे पास भी मैं बता दूं, मेरे पास भी जेवर में ना 8,000-9,000 रुपये गज में भी जमीन है भाई साहब, 3 साल के किस्तों में। मेरे पास जेवर में 16,000 रुपये गज में भी जमीन है, यमुना एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में। तो आपका जैसा बजट हो आप अपने बजट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हाँ, लेकिन अभी ये भी चीज मैं बता दूं, अगर आपका बजट है 8,000-10,000 रुपये गज में लेने का, किस्तों में ढूंढोगे आप, फिर उससे बोलोगे जो आपका डेवलपर है कि जी मुझे नक्शा पास दे दो, मुझे अथॉरिटी से NOC दिला दो, तो वो नहीं देने वाला, क्योंकि देखिए इन सब चीजों में लगता है पैसा।
पैसा खर्च होगा। जब पैसा खर्च होगा तो पैसा तो भाई वो प्रॉपर्टी में तो प्लॉट में तो इंक्लूड किया जाएंगे ना, तो प्लॉट का रेट तो बढ़ेगा। अब आप जिस जो जो मैंने डेवलपमेंट बताया वो डेवलपमेंट आप अगर मेरा प्रोजेक्ट देख लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ पूरे टप्पल जेवर एयरपोर्ट कहीं भी जाके आप किसी की प्रोजेक्ट में उतना डेवलपमेंट ही नहीं देखोगे। अब जब उनसे डिमांड करोगे तो वो फिर क्या वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि भाई अगर उतना डेवलपमेंट करेगा तो फिर रेट भी बढ़ता है प्रोजेक्ट का। तो ये सब चीजें होती है। तो मेरा मतलब ये होता है कहने का कि आप गलत जगह पैसा ना लगा के उसको आप FD करा दो, उसको आप किसी सेविंग में डाल दो, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो, जरूरी नहीं है कि नहीं मुझे प्लॉट लेना है, चाहे कल को आपकी मान लो आपकी जमीन एक्वायरमेंट में चली गई तो फायदा क्या भाई ऐसी जमीन का लेने का, फिर फायदा ही नहीं है। फिर आप ढूंढते रहना बिल्डर को और डेवलपर को और सेलर को, कोई मिलेगा नहीं, सब गायब हो जाते हैं। तो यही चीज है। तो कहीं भी जमीन अगर ले तो सोच समझ के डॉक्यूमेंट चेक करके डॉक्यूमेंट में भरोसा करें, इंसान पे भरोसा ना करें। सिर्फ रस्टी मोटेशन कुछ नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, एजुकेट करना, और आपका पैसा है आपको कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। पता नहीं मैं एक चीज देखता हूँ लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो लोग डॉक्यूमेंट ही चेक नहीं करवाते कि भाई आप जमीन तो लो, अरे थोड़ा पैसा खर्च करो, आप जाइए अपनी डॉक्यूमेंट चेक कराइए तब लो। मतलब जिंदगी भर के लाखों रुपए बर्बाद कर सकते हैं लेकिन उनसे 2-4-5-10 हज़ार या अपना टाइम नहीं निकलता। तो मेरा काम समझाना है, आपका काम समझना ना समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। पैसा आपका है, जहां डालना है आप जाके डालो, ठीक है। बाकी मेरा भाई मन था एक छोटी सी वीडियो बना दूं आपके लिए कि आपको थोड़ा एजुकेट कर सकता हूं, तो आप कर लेना। कई लोग मुझे गाली भी देंगे, कई लोग सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप अच्छा लगा वीडियो अभी तक देखा है तो मुझे आप लाइक कर दो, चलो सब्सक्राइब नहीं कर चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इसी तरह की वीडियो मैं ऑनेस्टी वाली वीडियो लेके आता हूं। क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट नहीं सोचता, मैं सोचता हूं आपकी प्रॉफिट, क्योंकि आपका प्रॉफिट होगा मेरा प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।